नमस्ते, मैं नीरजा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 7 रूल्स बताऊंगी जिनको आप चेंज करके अपने डाइट में डाल सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। हम डेली की लाइफ में भाग दौड़ भरी जिंदगी में घूमते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, रात को देर से खा के सो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं। तो हम मेरे 7 रूल्स में से रूल नंबर 1, सुबह उठ के सबसे पहले 1 ग्लास पानी जरूर पिए। बिना कुल्ला किए हुए 1 ग्लास पानी आपको पीना ज़रूरी है। सो आपके मुंह का सलाइवा आपके पानी के साथ आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होगा और आपका डाइजेशन फास्ट होगा। रूल नंबर 2, ब्रेकफास्ट यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है। बहुत लोग जल्दबाजी में भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी मील है। ब्रेकफास्ट का मतलब रात भर आप सोए हैं, उसको फास्टिंग की है स्टमक ने और उसको ब्रेक करना। सो ब्रेकफास्ट करने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और आपका वेट लॉस फास्ट होता है। सो डू ब्रेकफास्ट। रूल नंबर 3, हर एक मील का टाइम फिक्स करें। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 9 o'clock ले रहे हैं, आफ्टरनून में लंच 12:30 ले रहे हैं, इवनिंग में डिनर 7:30 ले रहे हैं, तो डू इट रेगुलरली, क्योंकि स्टमक को एक हैबिट होती है पर्टिकुलर टाइम पे आप खाना दे रहे हैं, तो उसका टाइम अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होता है। सो वेट लॉस की प्रोसेस स्लो हो जाती है। जब वो रेगुलर टाइम पे, फिक्स टाइम पे आप उसको मील देंगे, फिक्स मील देंगे, तो स्टमक को आइडिया आता है। बॉडी हमारी बहुत ही स्मार्ट है, तो उसको आइडिया आ जाता है कि अब मुझे मील मिलने वाला है। सो दैट टाइम आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4, एवरी मील के बाद 15 मिनट वॉक करें। खाना खा के तुरंत ना तो बैठ जाएं, ना ही सोएं, क्योंकि आपका जो स्टमक है उसमें जब आप खाना खाते हैं, जब स्टमक के अंदर खाना चला जाता है, तो उसकी टेंडेंसी है कि 15 मिनट के अंदर वो खाने को पुश करके नीचे की ओर ले जाता है, इंटेस्टाइन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप खाना खा के उस 15-20 मिनट्स तक ऐसे लेट जाते हैं, तो खाना नीचे पुश होने के बजाय ऊपर आने लगता है और वो फिर से फूड पाइप में आता है, जो एसिडिटी बढ़ाता है और खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और वेट गेन का एक रीज़न होता है। सो अगर आप ये रूल को फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। रूल नंबर 5, ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। कि जैसे सुबह में आपने हैवी खा लिया तो आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, सीधे रात को खाना खाएंगे, या दोपहर में लंच हैवी कर लिया तो आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर रात को 10-11 बजे खा रहे हैं। तो हर एक मील के बीच में रेगुलर इंटरवल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय की क्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए आपको हर एक 2 घंटे में एक स्मॉल मील लेना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, भूखे नहीं रहें। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहेंगे तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस फास्ट होगी और आपका वेट लॉस जल्दी होगा। रूल नंबर 6, खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद ही पानी पिए। बीच में पानी ना पिए, ना ही खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिए। 30 से 40 मिनट के बाद कोशिश करें कि गर्म पानी पिए। गर्म पानी आपका जो पेट में जो खाना रह गया है, जो डाइजेस्ट होने में या नीचे जाने में रह गया है, उसको गर्म पानी से पूरा क्लींस करता है। तो गर्म पानी पिए और 30-40 मिनट के बाद ही पिए। इस रूल को फॉलो करें सो दैट आपका वेट लॉस फास्ट होगा। रूल नंबर 7, हम लोग यूजुअली रात का खाना बहुत देर से खाते हैं, कभी 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, तो आज से ये आदत बदल दें। कोशिश करें कि रात का खाना 7 से 7:30 के बीच में खा लें, जिससे आपकी जो बॉडी है रात को जब सोती है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम ज़रूरत होती है। तो हल्का खाना खाएं और जल्दी खा लें। सनसेट के बाद जो भी खाना खाया जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इससे जितना हो सके जल्दी खाना खाएं, इससे आपका वेट लॉस फास्ट होगा, वेट गेन नहीं होगा। मैंने आज ये 7 रूल्स बताए हैं। ये 7 रूल्स अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में आज से डालेंगे और जेन्युइनली फॉलो करेंगे, तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका वेट गेन होना बंद हो जाएगा और वेट लॉस की प्रोसेस आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी।
उसके साथ साथ में मेरे और वीडियोस हैं जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेज हैं, उन सबको अपनी लाइफस्टाइल में डालें और इन 7 रूल्स को फॉलो करें तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं सो दैट आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सकें। थैंक यू।